एंगुलर डिस्टेंस मीन्स कोणीय अंतर. द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो कुछ कौन सा भी लोकेशन जो एनी प्लेस का वो डिटरमाइन कैसे होता है, सेंटर से, सेंटर ऑफ द अर्थ. इन ऑर्डर टू डू वी कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द सर्फेस एंड सेंटर ऑफ द अर्थ. तो सरफेस से सेंटर तक हम स्ट्रेट लाइन देते हैं उसको जॉइन करने के लिए. एट द सेंटर इट मेक्स एन एंगल विद द प्लेन ऑफ द इक्वेटर. तो सेंटर पे एक क्या बनता है, एंगल बनता है. वो कहाँ तक जाता है, विषुववृत्त, इक्वेटर तक. इट मीन्स कौन से भी प्लेस को लोकेशन बताने के लिए जो अर्थ है उसके सेंटर से हमें जो उसके लोकेशन तक एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ती है और वो जो लाइन है वो इक्वेटर के पास एंगुलर डिस्टेंस बनाती है. द मेजर ऑफ दिस एंगल यूज डिटरमाइन द लोकेशन. तो यही एंगल लोकेशन को डिसाइड करती है. एग्जाम्पल 1.3. द मेजर ऑफ एंगल एक्स एम वी इज 30 degrees. तो एक्स एम वी देखो यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 degrees है. दैट इज एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज 30 degrees. तो इसका एंगुलर डिस्टेंस कितना है इक्वेटर तक, 30 degrees. लुक एट द फिगर ऑफ द टेल द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द इक्वेटर. तो हमें वाई का एंगुलर डिस्टेंस हमें बताना है. फिगर 1.3 शो अनादर प्लेन, इट पासिस थ्रू एक्स, इट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द इक्वेटर. तो वो कैसे है, पैरेलल है, समांतर है. ऑब्जर्व 1.3 एंड सी हाउ इट मीट द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो उसको ऑब्जर्व करना है हमें. एंड देन नोट दैट इट फॉर्म अ सर्कल ऑफ द सरफेस, ऑन द सरफेस एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल एंड द इक्वेटोरियल प्लेन फ्रॉम एन एंगल ऑफ 30 degrees एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो जो भी पॉइंट है वो अर्थ के सेंटर से 30 degrees तक का एंगल ही में ही दिखाई देता है. इन द अपर पोर्शन ऑफ द सर्कल एट द सेंटर एक्स ड्रॉ एंगल ऑफ 20 degrees. तो सेंटर एक्स पे हमें 20 degrees का एंगल निकालना है. V1 XK1 एंड V2 XK2, K1 एंड K2 बीइंग द पॉइंट ऑन द सर्कल. तो ये K1 और K2 ये सर्कल पे पॉइंट देने हैं. ड्रा एंड इक्लिप्स जॉइनिंग K1 एंड K2. तो K1 और K2 पे तुम्हें इक्लिप्स निकालना है. इन द लोअर हाफ ऑफ द सर्कल मार्क एंगल ऑफ 60 degrees एंड नेम द पॉइंट ऑफ द सर्कल एज P1 एंड P2. ड्रा एंड इक्लिप्स जॉइनिंग P1 एंड P2. तो देखो नॉर्थ K1 K2 V1 V2 एंड P1 P2 दैट टाइप. और द डिस्टेंस बिटवीन K1 K2 एंड P1 P2 द सेम. तो K1 K2 और P1 P2 का डिस्टेंस सेम है. कंपेयर द डिस्टेंस XK1 एंड XP2, और दिस डिस्टेंस द सेम और दे डिफरेंट. तो जो डिस्टेंस है XK1 एंड XP2 वो सेम है या डिफरेंट है ये तुम्हें बताना है. नाउ कंपेयर द इक्लिप्स यू हैव ड्रॉन. तो जो इक्लिप्स तुमने ड्रॉन किया उसको कंपेयर करना है. विच इज़ द लार्जर इक्लिप्स, वाई, और कौन सा इलिप्स जो है तो विच इज़ द लार्जर इलिप्स, वाई. तो वो इक्लिप्स नहीं है, वो इलिप्स है. इलिप्स मीन्स लंबा वर्तुल. ये तुम्हें थोड़ा चेंज करना है. ओके तो वंस अगेन हम लेंगे. इन द अपर पोर्शन ऑफ द सर्कल एट द सेंटर एक्स ड्रॉ एंगल ऑफ 20 degrees V1 XK1 and V2 XK2, K1 and K2 being the point on the circle, draw an ellipse joining K and K2. तो वहाँ पर एक ellipse निकालना है K1 K2 पे. In lower half of the circle mark angle of 60 degrees and name a point on the circle as P1 and P2. Draw an ellipse joining P and P2. Or the distance between K1 K2 and P1 P2 the same. तो तुम्हें distance K1 K2 P1 P2 का सेम दिखता है क्या. कंपेयर द डिस्टेंस के XK1 एंड XP2, और द डिस्टेंस द सेम और दे डिफरेंट. तो XK1 एंड XP2 का डिफरेंट डिस्टेंस जो सेम है या डिफरेंट है. नाउ कंपेयर द इलिप्स यू हैव ड्रॉ. तुम्हें वो इलिप्स को कंपेयर करना है. एंड विच इज द लार्जर इलिप्स, वाई. तो कौन सा इलिप्स लार्जर है और क्यों है,
ये तुम्हें बताना है। ओके थैंक यू। तो इलिप्स है वो, इक्लिप्स नहीं। ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड।